ये
ये अभी इन्हीं की तरफ कैमरा लिया है। तो भाई कैमरे से इधर आ जाओ, लाइव चल रहा है। ढोलक के लिए छाया जी बोले, ढोलक के लिए जो है नहीं तो तू है उनको बुलाएंगे ढोलक के लिए। वो है ना लेट हो गए, मीटिंग आ गई, कोई आ रहे थे वैसे आ जाना था लेकिन लेट हो गए, खाना मुझे तैयार कर लिया, फोन आया होगा। बच्चे अभी काफी बारिश में फोड़ लग जाती है, इधर ढोलकी की लग जाती है, बाहर सेकल की लग जाती है, तो जो और घरों का लग जा रहा है। जान है, जान है। खाना खुना है नहीं, कुछ खाने को देने तक नहीं, टकरे करने टॉपी और क्या मर्जी की मर्जी पाँच हो गए पाँच हो गए पाँच है माइक दीदी, पाँच है माइक, हाँ तीन ये हो गए, एक आपका और ये एक पीछे जिसको चाहिए होगा वो बीच में ले लेगा या दे देना उसको। बाहर का मतलब बाहर है किसको पूछना, किसको पूछना वो चलेगा ना भैया, ये तो लाइव चल रहा है।
श्रीमान सतगुरु सरकार की लाडली लाल की प्यारे प्यारे अम्मा की राधे 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 पेज नंबर 69
Yeah.
Hari bol, 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 Hari bol,
राधे 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 मत प्रेयान राधिका प्रेयान मत धवो राधिका धवः तस्मादपि करियान यो कृपालुर्मे जगद्गुरु बरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर्वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै सत्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये श्री युगलचरण पादारविंद अनुरागी भक्तजन थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आपकी सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला Thank you.
गोविंद गोपाला वृंदावन बिहारी लाल की जय लाडली लाल की जय श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय कृपालु महाप्रभु की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन श्याम मिलन की बात सोच श्याम मिलन यानी भगवान मिलन परमात्मा मिलन भगवान के अनंत नाम है तो अनंत नाम रूपाए हैं राम कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव सब आप सुनते हैं ये भगवान के नाम है तो महापुरुष हम लोगों से कह रहे हैं अरे जीवो श्याम मिलन प्रभु से मिलने की बात सोचो दिन रात हम सोचते हैं एक क्षण भी एक क्षण एक सेकंड भी बिना सोचे हम नहीं रह सकते हम शरीर से भले कोई कर्म ना करें हम बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो जो मन में सोच रहे हैं ना सोचेंगे जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे क्या सोचेंगे अरे दो ही एरिया है ना एक संसार और एक भगवान एक देखो तीन तत्व है एक जीवात्मा एक परमात्मा और एक माया जीवात्मा हम लोग परमात्मा भगवान और माया आप जानते ही तो जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है पर बीच में एक माया बाधक तत्व है
तो हम या तो भगवान परमात्मा की बात सोचेंगे या हम संसार की बात सोचेंगे, तीसरी कोई बात सोच ही नहीं सकते क्योंकि तीसरा कोई एरिया है ही नहीं। तो कहा जा रहा है अरे मन तू श्याम मिलन की बात सोच। तो देखिए पहली बात तो हमने सोची नहीं, और अगर सोची कुछ लोगों ने सोची पर हमेशा नहीं सोची, थोड़ी देर को सोची, सत्संग में गए ये बातें सुनी भगवान की तो मन में आया भाई भगवान से प्यार करो, भगवान को पाना है, वो कैसे मिलेंगे। जब सत्संग में हम जाते हैं और ईश्वर की बात सुनते हैं तो मन में थोड़ी जिज्ञासा कुछ इच्छा पैदा हो जाती है। संसार में जाते हैं घर में बस फिर मस्त हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वही संसारी बातें सामने आ जाती है। तो हम हमेशा नहीं भगवान की मिलन की बात सोचते, अगर हमेशा सोचते तो भगवान मिल ना गए होते, वो मिलते ही ऐसे हैं, और तो कुछ करना ही नहीं, उस प्रभु को पाने के लिए कुछ नहीं करना, ये लंबे चौड़े प्रयत्न जो हम कर रहे हैं ना, वो कहते भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं मिलता। सुबह से शाम तक भले उल्टे ही हम लटके रहे, हम जी कुछ नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे, खाली जल पी के रहेंगे, वायु पीकर भी रहने वाले हुए हैं इतने तपस्वी हमारे यहाँ। तो भगवान इन चीजों से नहीं मिलते, वो कैसे मिलते हैं यही आपको बताना है। तो पहली बात तो अभी ये प्रश्न आया कि भाई श्याम मिलन की बात सोच मन, अरे मन तो श्याम मिलन परमात्मा भगवान उसको मिलने की बात सोच। और उनको सोचना और फिर उनको प्राप्त करना, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द, भगवान के बारे में सोचना या भगवान को पाना, ये कौन क्या सभी सोच सकते हैं, क्या सभी उनको प्राप्त कर सकते हैं? आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं सोच सकते, ये सभी जीवात्माएं भगवान के पुत्र हैं, हम सभी अमृतस्य भी पुत्राः, वेद में लिखा कि समस्त जीवात्माएं भगवान के पुत्र हैं, दास हैं। तो हम सब सोच सकते हैं, उनको पा सकते हैं? नहीं, सभी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें उस ईश्वर को जाना जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। बाकी मनुष्य शरीर को छोड़कर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, किसी योनि में हम उसको नहीं जान सकते। कुत्ते बिल्ली गधे ये पशु पशु योनियां है ना, पक्षी ये चिड़िया कबूतर वगैरह सब पक्षी हैं, ये वृक्ष लता पता ये पेड़ पौधे ये पत्थर, क्या भगवान को मिलने की बात सोच सकते बेचारे? क्या इस ईश्वर को प्राप्त कर सकते? नहीं। केवल और केवल केवल ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम उस प्रभु को सोच भी सकते प्राप्त कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्व है इस मानव देह का, हमारे शास्त्र वेदों में भरा पड़ा है, कोई ग्रंथ आप उठा लीजिए सभी में इस मानव देह का इतना महत्व बताया। नमांशम विनान्यत्र तत्वज्ञानम दुर्लभते, मनुष्य देह के अतिरिक्त किसी अन्य देह में हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते। आप कहेंगे बताइए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, अब एक एक शब्द ध्यान से सुनो। देखिए ये जो मनुष्य का शरीर है जो भगवान ने हमको दिया, इसमें दो बातें हैं विशेष, ज्ञान प्रधान, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विशेष बुद्धि दी है विशेष, और योनियां जो हैं उनसे हमारे को एक विशेष बुद्धि दी है। और दूसरी बात, ये मनुष्य शरीर
इसमें हम एक कर्म प्रधान है, कर्म करके अपनी बिगड़ी बना सकते हैं और योनियों में नहीं, बाकी योनियां भोग योनियां हैं। तो थोड़ा महत्व पहले समझ लीजिए। देखिए एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक व्यक्ति को एक दिन सड़क पे चल रहे थे, जैसे अब आप आए हो अभी प्रवचन सुनने आए ना, तो सड़क पे चल के आए हो, तो आपको मान लो किसी को एक गिरी पड़ी हुई रास्ते में एक अंगूठी मिल गई, अंगूठी। अब उस अंगूठी पे नग लगे हुए थे, आपने कहा भाई बड़े नग चमक रहे हैं और ये ऐसा लगता है ये तो हीरे की है, फिर किसकी है, हमें क्या पता किसकी है, अरे रास्ते में गिरी पड़ी है भाई हमें क्या पता किसकी गिर गई, पता हो तो अब चलो दे भी दें, लौटा दें उसको, लेकिन हमें नहीं मालूम ना किसकी गिर पड़ी है। अब आप अपने घर ले गए अंगूठी और क्या करें, फिर किसको दें, अपने घर अंगूठी ले गए और अपना जाके वहीं जहां बैठे टेबल वगैरह था सामने मेज उस पर रख दी। मन में सोच रहे हैं कि ये क्या क्या है, ये हीरे की है क्या, कि ये नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती ना आजकल, उसमें भी बड़े नग वग लगे होते चमक। तो आपके मन में वह पहुंच चल रही है कि ये अंगूठी कितने की होगी। अचानक आपके घर में आपकी एक सहेली आ गई, उसने देखा कि ये मेज पे एक अंगूठी पड़ी हुई है बड़ी चमक रही है। उसने कहा ये बहन जी ये अंगूठी ऐसी यहां पड़ी हुई है। उसने कहा हाँ जी वो मैं गई थी ना प्रवचन, अरे आज से प्रवचन शुरू हुआ श्री कृपाल कुंज में और वहां पर हम दीदी का प्रवचन सुनने गए थे, जब वापस में लौट रहे थे तो देखा ये गिरी पड़ी मिली है, हमें क्या पता किसकी है किसको दे। फिर आपस में बातें करेंगे आप दोनों, ये कितने की होगी। अब दोनों को तो आइडिया है नहीं किसी चीज का, तो कभी आप कहते हैं अरे होगी ये होगी 1000-2000 की, आपकी सहेली कहती है अरे नहीं ये तो नकली सी है ये तो और सस्ती होगी, अब होगी ये 100-200 रुपए की। खैर बात खत्म यहीं हो गई, आपकी सहेली अपने घर चली गई। रात को आप सोचते रहे कि ये है क्या सचमुच हीरे की है क्या, नग तो बड़े चमक रहे कि ऐसे ही आर्टिफिशियल गिरी है। खैर आपको रात भर आज नींद नहीं आएगी, कल सवेरा होगा आप जाओगे पता करने एक सुनार के पास ले जाओगे, क्योंकि भाई साहब ये अंगूठी कितने की है। तो सुनार तो एक मामूली जानकार था, सोने चांदी का हीरे का वो पारखी नहीं था। उसने कहा अरे बहन जी ये तो ऐसे ही है आर्टिफिशियल, कितने की होगी, अरे होगी ये कोई 500-1000 रुपए की। आप आगे अपने घर में और रख दिए, अरे सोने के पहने हैं, दो चूड़िया वूड़िया पहने हैं, गले में एक माला पहने हैं, कान में पहने हैं, तो हजारों का सोना पहने हुए हैं, वो 500-1000 रुपए की क्या वैल्यू है आपके लिए। आपने अपने घर में अंगूठी ऐसे ही रख दी, पर अभी भी परेशान है आपका मन, नहीं लगती तो ये हीरे की है, क्या करें। फिर आप जाओगे जोहरी के पास, जो हीरे जवाहरात का पारखी होता जोहरी, आप उसकी दुकान पे गए और आपने जैसे दुकानदार को दिखाई अंगूठी का, भाई साहब ये अंगूठी कितने की है। उसने ऊपर नीचे देखा हिला गुला के इधर उधर करके कहा बहन जी कहाँ मिली आपको, क्योंकि इतनी औकात तो मुझे नहीं दिख रही आपकी, कितनी महंगी अंगूठी। महंगी हाँ बहन जी बड़ी महंगी अंगूठी है, कितने की है। देखो बहन जी इसमें जो नग लगे गिनो जरा, ये 10 नग लगे छोटे छोटे हाँ, और एक बीच में बहुत बड़ा नग लगा हुआ है। हाँ जी ये जो बड़ा वाला नग है ना ये 5 लाख रुपए का है, और वो जो छोटे छोटे लगे हैं वो 5-5000 के हैं। 10 नग
5,000 के 50, 5 लाख वो है 5.5 लाख की। हाँ अच्छा, क्या करनी है, बेचनी है? नहीं नहीं बेचनी नहीं है, हम तो पता करने आए हैं कि ये कितने की अंगूठी है। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको उस जोहरी से पता चल गया कि इस अंगूठी का मूल्य 5.5 लाख रुपया है। आप अंगूठी लेके आए और आकर के चुप करके अपने लॉकर में तिजोरी में रख दी, 5.5 लाख रुपए की अंगूठी है भाई। जब नहीं उसका मूल्य पता था, जब उसकी कीमत नहीं पता थी, 500 की है 1,000 की है, तो आपने यही कहीं रख दी थी, और जब पता चला इतनी मूल्यवान है तो उठा के अपने लॉकर में रख दी। बस इसी प्रकार अगर हम इस मनुष्य शरीर का महत्व समझ जाते तो ऐसे बर्बाद ना करते जैसे अभी कर रहे। वैल्यू नहीं समझी हमने, हम क्या सोचते हैं मिल गई है, ये मानव दे मिल गई है कोई बात नहीं। अरे इस बार भजन नहीं कर रहे तो क्या हुआ, इस बार भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो क्या हुआ, अगली बार जब दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा ना, हम खूब भक्ति करेंगे और उस प्रभु को पालेंगे। अरे क्या श्योरिटी है कि आपको मानव देह मिलेगी? क्यों जी, मिल गई है इस बार, अगली बार भी मिलेगी, इस धोखे ना रहे हैं हम लोग, ये बार बार नहीं मिलती। क्या कमाया है जी, क्या कमाया दीदी, आपको क्या पता? अरे हमारी कोठी आपने को देखी है, 3 मंजिली है। और मेरा तो बेटा इतना उसका अच्छा काम है, मेरे पति का इतना बढ़िया बिजनेस है, मेरे पास इतना सोना है, इतना मेरे पास धन है, मैंने बैंकों में भी 1 करोड़ में जमा कर दिया, आपको पास क्या पता, ये कमाया तो है आपने इतना। ये कमाने से मानव देह नहीं मिलती जी, ये तो कमाया है, अगर सीधी सादी अच्छी कमाई किया तो ठीक है, और अगर घर बढ़ करके कोई, आज बहुत कम लोग हैं जो बड़ी अच्छी कमाई करते हैं, गड़बड़ वाली चलती है आजकल जरा अधिकांश, तो अगर हमने उस कमाई को करने में पाप किए हैं तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। और हम तो आशा करके बैठे हैं कि वो लोग की सीट रिजर्व है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि देखो ना इतना कमा जो लिया। ये कमाने से नहीं मानव देह मिलती। और प्रभु कृपा जब कभी करते हैं, कभी अकारण करुणा कृपा करते हैं, जब कबहुक करी करुणा नर देही देत इस बिनु हेतु सनेही। कभी प्रभु अकारण करुणा कृपा करके जब कृपा करके ये मनुष्य का शरीर देते हैं, फिर उसमें भी हमें कोई समझाने वाला मिले, कोई सही मार्ग बताने वाला मिले और हम सही मार्ग पर चलें, तब जाकर के चलेंगे, तभी तो यहाँ पहुंचेंगे ना। अरे आप यहाँ आए हो तो चल के आए हो ना अपने घर से, अब भले ही कोई साइकिल पे आए, कोई बाइक पे आए, कोई कार में आए, कोई पैदल आए, आप चल के आए। तो जब चल के यानी ईश्वर भक्ति करेंगे, उस प्रभु को पाने का जो उपक्रम है वो करेंगे, तब भगवत प्राप्ति होती है। और फिर कभी मनुष्य का शरीर मिलता है जब हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, पाप कर्म करके तो मानव देह नहीं मिलता भैया। इसलिए वेद में लिखा, यह च वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदि हा वेदी महते विनष्टे। अरे मनुष्यों, इस मनुष्य शरीर को पाके उस प्रभु को प्राप्त करने की बात सोचो, जल्दी प्राप्त कर लो, अन्यथा महति विनष्टि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हानि, आप कहेंगे हानि, क्या हानि हो जाएगी? तो वेद में ही लिखा, यह चे दशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। हानि ये हो जाएगी कि अगर हमने
मनुष्य शरीर पाकर ऐसी व्यर्थ गवा दी और उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, तो 84 लाख प्रकार की योनियों में बार 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 चक्कर काटना पड़ेगा, बार बार घूमना पड़ेगा। कभी पशु योनि में जाएंगे, कभी पक्षी योनि में, कभी कीट पतंग बनेंगे, कभी वृक्ष लता पत्ता बनेंगे, कभी नरक में जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे। ये ऐसे मानव देह नहीं मिलती, हमको अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है, इसकी इम्पोर्टेंस को बस समझ लेना है। अगर हम इसका मूल्य समझ जाएं तो भगवत प्राप्ति के लिए हम उधार ना करें, तीव्रता ले आए अपनी साधना में। जो अभी हम ढीलम ढील करते हैं, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है, कर लेंगे, ये करते रहते हैं। ये कहते कहते हमारे अनंत जन्म बीत गए, 2, 4, 10, 20 नहीं, अनंत जन्म बीत गए। इसलिए वेद ने कहा उत्तिष्ठत, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर उस परम तत्व ईश्वर को जान लो। तो ये करना है हमें, जो हम सोए हुए ना नींद में, अज्ञान की नींद में आलस से लापरवाही कर रहे हैं, जागो उठो और जाओ संतों के पास, महापुरुषों के पास, और प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता जानो, फिर उस पर चलो और फिर उनको प्राप्त कर लो। बस इतनी सी बात समझनी। इसलिए इसका महत्व समझ लीजिए। बस देखिए सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ेंगे, तो उसको पाना है तो सीढ़ियां, अरे आपने कहीं जाना है तो जब छत पे जाना है तो सीढ़ियां होती है ना, तो सीढ़ी पे पैर रख रख के चढ़ के तो ऊपर जाएंगे। ऐसे ये सीढ़ियां, पहले पहली सीढ़ी जो मैं आज आपको बता रही हूँ उस प्रभु को पाने के लिए, ये पहली सीढ़ी है। ये मिलेगी मानव देह तभी तो कोई महापुरुष मिलेगा, तभी तो हमारे मन में उस प्रभु को पाने की इच्छा पैदा होगी और फिर हम उनको प्राप्त करने का जो उपाय मार्ग है वो अपनाएंगे। इसका बहुत महत्व है, इसलिए मैं समझा रही हूं। सब महापुरुषों ने बहुत महिमा का वर्णन किया मानव देह का। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, हे हरि, हे प्रभु, आपने मेरे पर बड़ा अनुग्रह, बड़ी कृपा की। देवताओं से भी दुर्लभ ये मानव देह आपने हमें प्रदान की है, तो हम आपकी कृपा के आभारी हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है हम आपका धन्यवाद कर सकें, बस आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप कृपा करते हैं और आपने कृपा करके हमको ये मनुष्य का शरीर दिया। और देखिए, अगर हमें मनुष्य का शरीर मिला और भारतवर्ष में जन्म मिला, ये तो और भी बड़े भाग्य की बात है। आप कहेंगे क्या भाग्य की बात है? अरे भैया, भाग्य की ये बात है, हमारे देश में भगवान का इतना नाम सुनाई पड़ता है, गली गली में मंदिर है, हर घर में मंदिर है, हम ना भी जाएं तो कान में आवाज सुनाई पड़ती है, माइक लगे होते हैं, तो सवेरे सवेरे हम सोए हुए हैं, आवाज आ रही है गुरुद्वारे से, आ रही है महापुरुषों की वाणी सुनिए आप, मंदिरों में आरतियां वगैरह हो रही हैं, रामायण जी का कोई पाठ कर रहा है, नवरात्र चले तो कीर्तन हो रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और पास पास मंदिर है, हम जा सकते हैं, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ से 100 किलोमीटर है। विदेश अगर आप रहते हैं वहाँ भी मंदिर अब हैं, पर दूर दूर होते हैं भाई, 100 किलोमीटर चलो, 200 किलोमीटर कौन जाएगा, रोज जा सकता है कोई क्या? तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जन्म मिला। और हमारे यहाँ कुछ भोले भाले लोग बाहर जाना चाहते हैं विदेशों, वहां उतना नहीं भगवान नाम सुनाई पड़ेगा जितना हमारे यहाँ सुनाई पड़ता है।
तो जिसको भारतवर्ष में जन्म मिला, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार मनुष्य का शरीर दीजिए और भारतवर्ष में जन्म दीजिए और यहाँ इतने संत आपको मिलेंगे। संतों की भी कमी नहीं, वो भी आपको समझाने के लिए आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मैं मनुष्य शरीर के आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझा रही हूँ शास्त्र वेदों के द्वारा, अपने से नहीं मैं कुछ बोल रही, ये सब शास्त्र वेद बता रही हूँ। वो वेद है, वो भागवत है, वो गीता जी हैं, वो रामायण जी हैं और महापुरुषों की वाणी है। आप कहेंगे कि ये देवता इस मनुष्य शरीर की क्यों याचना करते हैं, क्यों कहते हैं भगवान से कि हमें मनुष्य का शरीर दे दो, क्या मनुष्य का शरीर बड़ा सुंदर है? अरे सुंदर सुंदर सुंदरता तो भगवान ने हमें दी ही नहीं, हमसे अधिक सुंदर शरीर तो पशु पक्षियों का होता है। तुलना करते हो किसके साथ? इनकी नाक तोते के समान है, इनकी गर्दन कबूतर के समान है, किसी का कंठ बड़ा मधुर होता है, बड़ा सुरीला गला होता है, लोग क्या कहते हैं, क्या कोकिल कंठ पाया है जी। देखो तुलना भी हो रही है पशु पक्षियों के साथ। और हमारा शरीर तो इतना गंदा बदबूदार है, अपने पसीने से अपने को बदबू आती है। अभी गर्मियां आ गई है ना, देखो पसीना आता है सबको, आएगा अभी और गर्मी पड़ेगी, अपने पसीने से अपने को बदबू, बाथरूम से बाहर निकले नहा के पसीना आया फिर बदबू आने लगी, ऐसा गंदा शरीर है हमारा। और देवताओं का, अरे देवताओं का शरीर में तो इतनी खुशबू होती है, अगर कोई एक देवता यहाँ उपस्थित हो जाए, यहाँ जितने बैठे हैं ना सब मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश, क्यों इतनी खुशबू है उनके शरीर में। उनकी पलके नहीं भजती, उनके पैरों का पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होता, उनकी छाया नहीं होती और उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर से मूत्र पुरीष स्वेद इत्यादि का निर्गमन नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं देवताओं के शरीर में और वो फिर भी गंदे बदबूदार शरीर की भगवान से याचना करते हैं कि हमें एक बार हे प्रभु मनुष्य का शरीर दे दीजिए। तो आप कहेंगे देवताओं से अधिक मनुष्य के पास ज्ञान शक्ति है क्या? नहीं, पशुओं से अधिक ज्ञान है हमारे पास, लेकिन देवताओं के बराबर ज्ञान नहीं है। और देवताओं के ज्ञान तो सरस्वती बृहस्पति के ज्ञान के साथ कौन टक्कर ले सकता है, इतना ज्ञान है उनके पास। मनुष्य ने बड़े बम बनाए, एटम बम, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन प्रोटोन तक पहुंच गया, ऐसा बम नहीं बनाया जिसको मारना वही मरे। अरे बम बम फटेगा, जिसको मारना है कई बार वो तो बच जाता है, दो चार दस और मर जाते। ये ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है, देवताओं के पास अग्नि बाण वायु बाण इत्यादि ऐसे ऐसे बाण है, हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों के पास से होके निकल जाएंगे, छुएंगे भी नहीं उनको, जिसको मारना है बस वही मरेगा। मैं खाली इतना बता रही हूं कि देखो देवताओं के पास इतना ज्ञान है, इतना सुंदर शरीर है, फिर भी वो इस गंदे शरीर की याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है और देव योनि केवल भोग योनि है। मनुष्य भी भोगता है अपने कर्म, हम भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन हम कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपनी बिगड़ी भी बना सकते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देवता नहीं। देवता नहीं, उनको भगवान के दर्शन होते हैं लेकिन भगवत प्राप्ति वाला नहीं हिसाब बैठता। तो आप समझ गए, मैंने अभी आपको इतनी देर तो समझाया इस मनुष्य शरीर का महत्व समझाया। नर तनु भाव
बारिधि का बेरो सर्वमुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाय सोकृत नंदत मंद मति आत्महान गति जाय सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताय काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में इतनी सुंदर बात कही। रामायण जी का पाठ आप करते होंगे, अभी भी किया होगा, जब ये नवरात्रे होते हैं ना तो बहुत से लोग रामायण जी का पाठ करते हैं। बहुत बार पढ़ा होगा आपने इस रामायण की जो पाइयों को, क्या नर अनुभव बार जी कहां बेरो। अरे आपको जाना है, नदी पार करनी है तो एक नौका चाहिए ना, और एक मल्लाह भी चाहिए, तब नौका पार करेंगे। वायु भी अनुकूल बह रही हो, प्रतिकूल वायु ना हो। ऐसे ही अगर प्रभु को पाना है तो मानव देह रूपी नौका भी अगर मिल गई, सतगुरु रूप में कोई हमको मल्लाह के वट भी मिल गए, सारा हिसाब बैठ गया, सब कुछ सही सही है, फिर भी अगर हम उन प्रभु को ना प्राप्त करें तो हमारे समान कोई आत्महत्यारा नहीं है। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे। इसलिए इस मानव देह का मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा महत्व बताया। बड़ी तारीफ की सब ग्रंथों में, पर तुलसीदास जी ने फिर क्या लिख दिया। उनसे पूछा, महाराज इस मनुष्य शरीर से क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, बताएं क्या क्या मिलेगा। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सबसे पहले लिख दिया नरक मिलेगा। आप लो भाई, इतनी देर हो गई दीदी जी, आप भी मानव देह के ऊपर ही बोलती जा रही हैं, मानव देह का महत्व समझा रही हैं, और महापुरुषों ने तुलसीदास जी महाराज ने भी इतनी प्रशंसा भी की, और फिर ये क्या लिख दिया, सबसे पहले नरक मिलेगा। हाँ क्यों लिखा? इसलिए ये भगवान ने हमको बुद्धि दी है ना, जो बुद्धि अगर इसका सदुपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग किए बिना हम रह नहीं सकते। साइकिल को चलाइए, चलाते रहो ठीक है, और इधर मोड़ो इधर मोड़ो, आगे करो पीछे करो, और अगर खड़े हो गए रुक गए और गिरोगे। अगर इस बुद्धि देवी का सदुपयोग नहीं किया तो, बुद्धि दिया तो अच्छी जगह लगाइए, अगर अच्छी जगह नहीं लगाएंगे तो गलत जगह लगेगी, भयंकर रूप में लगेगी। अरे एक कुत्ता चोरी करेगा, क्या चोरी करेगा, रोटी चुरा के ले जाएगा, तुम्हारे सामने लेके जा रहा है रोटी, तुम्हारे डिब्बे में पड़ी थी लेके चला गया तुम्हारे सामने, क्या करेगा, कहाँ रखेगा छुपा के, दो चार दस खानी होगी खा लेगा, क्या रखेगा शाम के लिए कल के लिए परसों के लिए, नहीं। मनुष्य देख लो क्या क्या कर रहा है, सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर किसी एक्सपर्ट चोर के साथ रख दो तो देखो उससे भी बड़ा उसका गुरु बन जाएगा, चोरी करने में माहिर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि दिया ना भगवान ने, अगर अच्छी जगह नहीं लगाओगे तो गलत जगह लगेगी, अवश्य लगेगी। तो 99.9% लोग नरक जाने की ही तैयारी करते। सारे में पूरे विश्व की बात कर रही हूं, एक किसी की बात नहीं कर रही। अब जो 0.1% लोग बचे नरक स्वर्ग, अब वो स्वर्ग जाने का प्रयत्न, स्वर्ग जाएंगे जी, आप समझते स्वर्ग में बड़ी खास बात है। लोग क्या लिखते, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब संसार से जाते हैं ना बड़े आपके कोई बाप दादाजी पिताजी, तो चिट्ठियों में लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप समझते स्वर्ग जाना बड़ी अच्छी बात है,
अरे गीता में पढ़ा है भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं गीता में, अर्जुन युद्ध कर, अर्जुन कहता मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा करेगा। जब वो समझाया तो उससे पहले अर्जुन कहता है महाराज नहीं करूंगा तो क्या मिलेगा, भगवान बोले नरक मिलेगा। अच्छा युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा, पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और जगत जीत जाएगा तो राज्य भोगेगा, मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। अर्जुन कहता है महाराज स्वर्ग में सुख है, भगवान बोले नहीं भाई, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम जीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम निशंति गीता। भगवान बोले अर्जुन स्वर्ग चार दिन के लिए आदमी जाता है, समझ लो भाई, ध्यान से सुन लीजिए जरा, स्वर्ग जाने की अगर किसी को बिचारे को मन में वृत्ति इच्छा हो तो जान ले, जितने आपने शुभ कर्म किए अच्छे कर्म किए, जितने आपके कर्मों की लिमिट होगी उस कर्मों के लिमिट के अनुसार आपको स्वर्ग जाना है, वहां भोगोगे। स्वर्ग में क्या है, बढ़िया बढ़िया प्रकार के वहां पर भोग है। यहाँ भी ही एक गरीब आदमी है, उसके घर में तो लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, एक उससे और आगे है पंखा है उसके घर में, और थोड़ा जरा है पैसे वाला उसके घर में कूलर है, उससे आगे और पैसे वाला उसके घर में एसी है, बस वहां भी जितने हमारे शुभ कर्म है वहां भोग लिए, और उसके बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम जीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम निशंति, आ जाओ नीचे जी, भोग लिए ना कितने दिन, जितनी लिमिट है। अरे आप एक घंटा भी रह सकते हो, आप एक साल भी रह सकते हो, 100 साल 1000 साल लाखों साल आप स्वर्ग में रह सकते हैं अगर आपके शुभ कर्मों की इतनी लिमिट है, लेकिन जब भोग लोगे तो ऊपर से नीचे धक्का देके गिरा दिया जाएगा, चलो बेटा है अब इतना अच्छा जी, वहां स्वर्ग में सुख भोग रहे थे, हाँ भोग रहे थे, अच्छे कर्म किए थे भोग लिया, अब आ जाओ पृथ्वी पर। जरूरी नहीं मानव देह मिले, धोबी वाले गधे बन जाओ, क्यों, जो पाप कर्म किए ना अब उनका फल भोगो। तो स्वर्ग में सुख नहीं है, वहां तो शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए भोग विलास के लिए जाते हैं, जितनी लिमिट है। हमारा लक्ष्य ना नरक है ना स्वर्ग है। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अब कहा उसके बाद अगर स्वर्ग को लात मार दी तो क्या कहते हैं, मोक्ष हो जाए, मोक्ष तार दो भगवान तार दो, अब हम मोक्ष के पीछे पड़ गए। कुछ बोले लोग मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष भी हमें नहीं मांगना, क्यों, वहां पर भी भगवान में एक हो जाना है, मिल जाना है हमको, तो भगवान का वो परमानंद दिव्यानंद चाहिए, रसपान करना है उनकी लीलाओं का, भगवान जो लीलाएं करते हैं हम देखना चाहते हैं, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, हम वो रस प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में तुलसीदास जी महाराज ने अब क्या लिखा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अब अंत में कहा भक्ति मिलेगी, भक्ति भी अगर आपको चाहिए ना तो बस मानव देह में आप भक्ति कर सकते हैं, राम बन जाओ या रावण बन जाओ आपकी इच्छा पर है, जैसा कर्म करोगे वैसे बन जाओगे। तो मैंने इतना आपको महत्व समझा दिया। चलो अब अगला पॉइंट, ये मानव देह इतनी प्रशंसा कर रहे हैं सारे शास्त्रविद, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़, गड़बड़ बताएं, गड़बड़ ये है देही नाम क्षण भंगुरा, ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब छिन जाए। एक बच्चा मां के पेट में आया, पैदा नहीं हुआ, अंदर ही मर गया, एक पैदा हुआ पृथ्वी पे आया, पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया। लोग कहते हैं जी पैदा तो ठीक ठाक हुआ था लेकिन वो मर गया एकदम, एक एक घंटे का होके मर गया, एक एक महीने का होके मर गया, एक एक साल का होके मर गया, कोई 10 साल का, कोई 20, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80,
कोई 90 कोई 100 कोई बिरले कोई 100 और अगर वो भी गए तो भी भैया एक दिन तो जाना ही पड़ेगा और हमको पता नहीं जाना कब है, ये भी नहीं पता अगला क्षण मिले ना मिले, कल सवेरा होगा सूरज उगेगा हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये कोई नहीं जानता, तो क्षण भंगुरा है पता नहीं कब छिन जाए, ये गड़बड़ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई जल्दी कर लो, जल्दी उधार ना करो। हम उधार करते कर लेंगे क्या जल्दी पड़ी, अभी हमारी उम्र ही क्या, अभी तो जी हमारे बस 25 साल के हुए, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, विवाह हो गया अरे अभी हमारे बच्चे होंगे, फिर अब उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनका विवाह करेंगे, फिर उनके बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर हम दादाजी बनेंगे नाना जी नानी इत्यादि बन जाएंगे, एक के बाद एक मन में कामनाएं सोच रहे हैं बना रहे हैं, पता नहीं अगले क्षण का, तो क्षण भंगुर है मानव देह, कर लेंगे मत करो अब करो, क्षण भंगुर पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात, पानी में बुलबुले उठते हैं ना, कौन सा बुलबुला कब फूट जाए कोई नहीं जानता, एक सेकंड में एक मिनट में और दो मिनट में कोई नहीं जानता, आयु जल बुलबुला गोविंद राधे, आयु जल फूल भूला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे, और व्हाट इज योर लाइफ तो जल्दी करना है उधार नहीं करना, हरि सिमरन दा रखे आई केड़ा वेला ओ मनवा, हरि सिमरन दा रखे आई केड़ा वेला ओ मनवा, ओ हरि सिमरन दा रखे आई केड़ा वेला ओ मनवा, हरि सिमरन दा रखे आई केड़ा वेला ओ मनवा, ये गर्भस्थ कार्य करते करते भैया इतने जीवन बीते इतने साल बीत गए, अब कौन सा समय रखा है, बाल्यावस्था तो खेलों में निकल गई, बड़े हुए तो बिजनेस सर्विस रुपया कमाने में लग गई, और बड़े हुए बुढ़ापा जब आने लगा तो अपना शरीर गड़बड़ होने लगा, अब हे राम तो मुंह से बाद में निकलेगा, पहले हाय राम कमर दर्द उठे हाय राम हाय 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 करते रहते, कब रखा है कौन सा टाइम रखा है आपने। फिर महापुरुष कहते जन्म तेरा हो बातों में बीत गयो, ओ तैने कब मुना कृष्ण कहो, तेरो बातों में बीत गयो, उम्र 25 माया कारण देश विदेश गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। ये माइक वाले भैया से दूसरा माइक दे दो उनको, दूसरा वाला भी तो जगदीश भैया आप देखो माइक को, हेलो
उमर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो जना राधे राधे। तीस बरस की यह मति उपजी लोभ पड़े नित नयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो वृद्ध भयो तब अब बुढ़ापा आ गया आलस उपजयो अब शरीर में आलस्य हो जाता है। तो पहले क्या करते रहे वही बालपन में खेल कूद फिर रुपया कमाने में लग गई तो माया जोरी लाख करोरी आजाऊ ना तृप्त भयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। महापुरुष कबीरदास जी इत्यादि सब हमको बार बार चेता रहे हैं जगा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं भैया जल्दी करो उधार मत करो तुरंत करो शुभ काम अच्छा काम तुरंत करो गलत काम गंदा काम जो होता है उसके लिए उधार कर दो। अच्छा काम तो एक ही है उस प्रभु की भक्ति उसका स्मरण करना वो करो। अवसर बीत्यो जात अरे मन अवसर बीत्यो सवेरा होगा ध्यान से सुनिए। आज आपने निश्चय कर लिया प्रवचन सुना है ना थोड़ा तो असर होगा आपके ऊपर कुछ लोगों पे तो हो ही जाएगा कम से कम दो चार पे क्या कहेंगे हाँ करना चाहिए उधार नहीं करना चाहिए करेंगे कल हम जरूर सवेरे करेंगे जरूर उठेंगे। और आप एक बार अजमा के देख लीजिए भगवान को रात को कहकर सुना हे प्रभु सवेरे मुझे 4 बजे उठा देना कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं वो 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। अब हमारी मक्कारी चालू होगी 4 बजे उठा तो दिया रात को देर से सोए थे ना भाई रात को देर से सोए भाई अब कोई कारण भी रहा हो जिसका भी एक तो मोबाइल देव है ही है सबसे बड़े वही कारण अच्छा है हमारे पास और भी है कई कारण हो जाते हैं संसार में कोई आ रहा है मेहमान रात को ट्रेन आ रही है देर से लेने जाना है कुछ सवेरे जा रहा है वो एक हमारे डॉक्टर भैया हैं इनके तो मरीज ही आए रहते हैं रात को भी इनको 12 बजे बेल बजाते रहते हैं उठाते रहते हैं तो ये तो यही कहेंगे क्या करें दीदी रात को कितनी देर से सोए थे
हम सवेरे हम कैसे उठे, आप कहती हो सवेरे 6 बजे आ जाओ यहाँ। तो भैया ये हम तो हाँ कर लेंगे, कब कर लेंगे? बस जी, बस थोड़ी जिम्मेदारी है ना, बस बच्चों को पढ़ा लिखा दे जरा, फिर अब पढ़ लेंगे। अब पढ़ तो गए हैं, अब इनका बिजली सेट करें, इनकी सर्विस लग जाए। लो जी वो भी हो गया, लग गई। अब इनका बस विवाह कर दें, फिर हम भजन ही करेंगे, विवाह हो गया। अब बस जी वो जरा छोटा सा घर में ना एक कोई आ जाए बच्चा, पोता हो जाए जी, पोती हो जाए कुछ, वो भी हो गए। अब बच्चा छोटा है ना, वो बेचारी उसको उठाए तो मैं काम करती हूँ, या वो काम करती हूँ मैं उसको उठाती गोदी में लेती हूँ। ऐसे कहते कहते तुम्हारे अनंत जन्म बीत गए, हमने किया कुछ नहीं, उधार ही करते रहे। कर लेंगे, कब कर लेंगे, कब कर लेंगे? ये मानव देह जब हाथ से छिन जाएगा तब कर लेंगे। तो जल्दी करो बस। अब एक ही भगवान ने जो हमको आदेश दिया वो ये कहा कि जल्दी करो, उधार मत करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गो प्यारो गोविंद राधे, प्यारो गोविंद राधे, जय जय गोविंद राधे, जय गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे बोल माया गोविंद राधे, राधे राधे बोल माया गोविंद राधे, तन का भरोसा नहीं छन में जीना दे, तन का भरोसा नहीं छन में जीना दे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे बोल माया गोविंद राधे, राधे राधे बोल माया गोविंद राधे, जाने कब काल तेरा टिकट कटा दे, जाने कब काल तेरा टिकट कटा दे, गर्भ में किए तेरा दे गोविंद राधे, गर्भ में किए तेरा दे गोविंद राधे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे, नर की बिसात क्या है गोविंद राधे, नर की बिसात क्या है गोविंद राधे, इंद्र को भी जाना होगा एक दिन बता दे, इंद्र को भी जाना होगा पर दिन बता दे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
यही तो आराम है, वहां कुछ करना नहीं है, खाली सोचना है।
चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन मुंह से नहीं बेशक ना बोले पर मन में रूप ध्यान करते हुए ही राधे राधे राम राम श्याम श्याम बस करते चलो। रूप ध्यान करते हुए राम राम श्याम श्याम बोलते जाएं राम तो मिल ही जाएंगे। तो हम आपको बताएंगे ये एक सप्ताह का प्रवचन रखा गया है केवल ये बताने के लिए कि हमें उस प्रभु को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें? आप सब प्राप्त करना चाहते हैं जो यहाँ आए हैं कम से कम, नहीं तो आप नहीं आते क्योंकि आपको पता है भाई प्रवचन है भगवान की कोई बात सुनाई जाएगी तो आपको भगवान से मतलब है, आप भगवान को चाहते हो, आप उनकी उपासना करते हो तभी तो आप आए। अरे बहुत से आपके भाई बहन नहीं आए घर में बैठे, उनमें से भी कुछ चाहते होंगे। अब नहीं आए क्यों नहीं आए? कुछ की मजबूरी हो जाती है और कोई वही आलस्य लापरवाही, और कोई तो आना ही नहीं चाहता तो कोई क्या कर लेगा, क्या करेगा कोई। तो ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम प्रवचन का रखा गया है उस प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाता है बस यही समझाना है। पर वो सीढ़ी दर सीढ़ी आप कहेंगे दीदी हमने सोचा तो आज ही आप सब बता दोगे भगवान कैसे मिलते हैं। क्यों भाई, एक चलना तो पड़ेगा ना कहीं यहाँ से माता काने के लिए, कोई सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर, सब आपको समझाया जाएगा। पर शर्त यही है कि आप लोग समय पे आएंगे, आप लेट नहीं होंगे। जितनी देरी से आओगे आपका विषय निकल जाएगा तो आपको फिर कम समझ में आएगा, गलत समझ में आएगा, इसलिए समय से आइए। और भी आपके जो भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी सहेलियाँ हैं मित्र हैं उनको बताइए और उनको कहिए एक बार आओ अपना लाभ लीजिए। मानव देवी मिल गई, समझाने वाले भी मिल गए, समझा रहे हैं तो आप भी समझ लीजिए। तो एक आदमी भी अपने साथ एक आदमी लाएगा तो जितने हैं उसके दुगने हो जाएंगे। आपके घर में भी आपके होंगे और लोग, किसी के घर में पति है, बहू रानी है, कोई बेटी बेटा है, लाओ उनको भी लाओ, उनके भी संस्कार बनाओ। सबसे बड़ा शुभ काम भगवान जो प्रसन्न होते हैं अगर कोई जीव किसी दूसरे जीव को भगवान की ओर लेके जाए चलाए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, फ्री फंड की कृपा भाई मिलेगी, आप लीजिए, वो तो तैयार बैठे देने को। इसलिए आपसे सबसे हाथ जोड़ के कर बद्ध प्रार्थना है समय से आइए। ये एक सप्ताह की बात है, उसके बाद नहीं आप कोई आप सोचो एक सप्ताह तक हम बिजी हैं दीदी फिर जो उसके बाद वाला सप्ताह होगा हम सुन लेंगे, नहीं भाई एक ही सप्ताह का ये प्रोग्राम है। आप स्वयं भी आइए, अपने भाई बंधुओं को लाइए। और कल है रामनवमी का पावन पर्व, सबको पता है ना कल रामनवमी भगवान राम जी का जन्मदिन है। वो कार्यक्रम भी होगा, वो होगा दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक, भजन कीर्तन, भगवान राम जी का अभिषेक, बधाई। जैसे संसार में बच्चा पैदा होता है तो खुशियां मनाते हो ना, ऐसे ही कल दोपहर में ये सब कार्यक्रम होगा 11 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद फिर भोजन प्रसाद भंडारा है, आपको घर में बनाने की फिर नहीं आवश्यकता रहेगी, आप आइए प्रसाद भी पाइए, दोनों आपके कार्य आपको लाभ मिलेगा। तो 16 तारीख से 22 तारीख तक शाम को 5 बजे से 7 बजे तक भजन कीर्तन प्रवचन इत्यादि। अब चलिए भोग और आरती आरती पहले भोग लाए क्या भोग रखा? चलो पहले भोग गा लेते हैं फिर उसके बाद आरती कर लेते हैं। जय श्यामा तू है वृंदावन दा मैली चटिया पंजाब री। जय श्यामा तू है वृंदावन दा मैली चटिया पंजाब री। बंसी दी आवाज सानू बजा
नहीं बने आ प्यार का मैं भी करती हूँ।
सरकार की जय, सद्गुरु सरकार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पांडे भैया चलो आरती करो, अब आगे श्याम बंद करना पड़ेगा, खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी सब। ये कहाँ से होगी? Thank you.
डिस्टर्बेंस होती है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है प्रणाम करने, तो बोलने वाले को भी मुश्किल बाधा आती है और सुनने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब आप आइए आराम से ठाकुर जी के दर्शन करिए, निहारिए, उनको प्रणाम करिए और